दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास है। इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि जो अगर आप फैक्ट्री से शटर्स बनवाते हो, यानी कि ये जो पल्ले हैं ये फैक्ट्री में तैयार कराते हैं, तो उसकी फिनिशिंग जो इतनी बढ़िया आती है, जैसा कि आप देख रहे हो दोनों साइड लैमिनेट लगी आती है, एक साइड में एज बेंडिंग टेप पूरी फिनिशिंग से लगी आती है। अगर ऐसी फिनिशिंग अपने को अपने घर में तैयार करानी है या फिर इससे मिलती जुलती कम से कम 90% तक फिनिशिंग लेके आनी है, तो उसका क्या तरीका है आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप अपने घर में प्लाईवुड लाकर, लैमिनेट लाकर और इस तरह की एज बेंडिंग टेप आती है जो अलग अलग कलर्स में अवेलेबल रहती है। ये एक पॉलीफिक्स का एडहेसिव आता है और एक ये हमारा एज बेंडिंग का ट्रिमर आता है, इसको यूज़ करके आज हम वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से आप एक अच्छा पल्ला किचन के लिए तैयार करा सकते हो जो कि कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा क्योंकि अपन उसको अपने घर में तैयार करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए GM फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। आज के एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि एज बेंडिंग टेप लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से हमें एज बेंडिंग टेप लगानी चाहिए। उसके लिए हम जो है ये एडहेसिव यूज़ करेंगे इंस्टेंट ग्लू। इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसको सेट होने का टाइम बहुत कम रहता है, मतलब इसको 2 या 3 मिनट के अंदर ही अपन इसको चिपका पाएंगे इससे एज बेंडिंग टेप को, नहीं इसके अंदर हमें मास्किंग टेप लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो ये काफ़ी जल्दी से सेट हो जाता है। और दूसरा हम इसके अंदर यूज़ करेंगे ये ट्रिमर। जो ये ट्रिमर रहता है दोस्तों, एज बेंडिंग जो हमारी आती है वो 22 mm की आती है, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसकी जो चौड़ाई रहती है 22 mm की रहती है, हमें जो पल्ला लगाना रहता है 19 mm का रहता है, तो 3 mm जो है वो एक्स्ट्रा रहता है ये एज बेंडिंग, तो उसको ट्रिम करने के लिए हमें ट्रिमर की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम ट्रिम करने के लिए इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं, इसको काम में लेते हैं। अब हम वीडियो के अंदर पूरा हमारे वर्कशॉप में चल के देखेंगे कि किस तरह से हमें अच्छा पल्ला फिनिशिंग वाला बना सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जो है पीवीसी बोर्ड का सैंपल लेंगे और उसके ऊपर एज बेंडिंग टेप चिपकाएंगे। सबसे पहले अपने को साफ़ करना है इसको। साफ़ करने के बाद जो पॉलीफिक्स एडहेसिव आता है, ग्लू आता है पीवीसी ग्लू, ये देखिए आप कितना क्लियर आता है ये, इसको आपको मिडिल सेंटर में जो है एजेस के सेंटर में इसको लगाना है। उसके बाद में आपको नाप की एज बेंड टेप काट के रखनी है और उस एज बेंड टेप को आपको लगा जो है एज से प्रेस करके और लगा देना है। अब इसमें अपने को जो ध्यान रखना है वो रखना है कि आप एक साथ में कपड़ा ज़रूर रखिएगा ताकि जो ग्लू है वो जैसे ही फैलेगा तो उसके बाद में आप उसको जो फ्रंट फिनिश करना है वो कपड़े से करना है अपने को। ये करने के बाद देखोगे विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर ये जो है आपका एज बेंडिंग टेप चिपक जाता है। चिपकने के बाद में जो है अब अपने को जो AU93 मैनुअल रिहाऊ का ट्रिमर है ये, इसको यूज़ करना है। इसमें एरो दिखा रहा हूँ मैं आपको, एरो के साइड ही अपने को मूव करना है। इसके अंदर एरो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, एरो के साइड ही मूव करना है, अदर साइड में मूव नहीं करना है क्योंकि इसकी ब्लेड्स उसी तरह से एडजस्टेड रहती है। आप इसको 2 या 3 बार 4 बार जब इसको ट्रिम कर लोगे तो उसके बाद आपका जो ये फिनिशिंग है इसकी वो हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक सा मेथड है। अब जो अपन नेक्स्ट सरफेस ले रहे हैं ये प्लाईवुड का सरफेस है, इसमें दोनों साइड लैमिनेट लगी हुई है। इसको अपन दोबारा से देखते हैं अप्लाई करके कि इसके ऊपर काम करता है नहीं करता ग्लू। सेम तरीके से अपने को बीच में एज बेंड का ग्लू लगाना है सेंटर में, उसके बाद कटिंग की एज बेंड रखनी है और उसको अपने को प्रेस करना है। एक बार प्रेस कर देने के बाद में 2-3 बार इसको अपने को कपड़े से करना है, उसके बाद अपन देखेंगे कि ये आराम से चिपक रहा है। उसके बाद आप देखो एरो दिया हुआ है एज बेंड ट्रिमर के ऊपर, इस एरो के साइड ही अपने को मूव करना रहेगा, अपोजिट में नहीं मूव करना रहेगा। इसको आप दबा के और अच्छे से प्रेस करके इस तरह से मूव करोगे तो आप देख रहे हो साइड से एज बेंड जो है आराम से इसका ट्रिम होके और निकलता जा रहा है। इसको आपको 3-4 बार इसी प्रोसेस को अप्लाई करना रहेगा ताकि जो है आपका फिनिशिंग प्रॉपर हो जाए। जब आप देखोगे कि ये फिनिशिंग प्रॉपर हो गया है तो इसके अंदर अच्छे से इसका फिनिशिंग नजर आएगा। जैसा कि हमने देखा कि हम कोई से भी सरफेस के ऊपर इस एडहेसिव को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो HDHMR हो, चाहे वो प्लाईवुड हो, चाहे वो WPC हो या PVC बोर्ड हो। एज बेंडिंग लगाने के लिए हम कोई से भी सरफेस के ऊपर इस PVC इंस्टेंट ग्लू को, पॉलीफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो एज बेंडिंग लगाने के बाद हमें ट्रिम करना रहता है वो इस ट्रिमर से हमने करके देखा है, इस वाले के अंदर इसके काफ़ी बढ़िया हमें रिजल्ट मिले हैं। जो हम फिनिशिंग देख पा रहे हैं वो आप देख लो, ये जो है आपकी फिनिशिंग है जब अपन ने इसको लगाया है अपने मैन्युअली, जब अपने इसको पेस्ट किया है और इसको ट्रिम किया है विद द एज बेंडिंग ट्रिमर। और ये वाली जो आपकी फिनिशिंग मैंने आपको पहले जैसा दिखाया था, ये जो है फैक्ट्री की फिनिशिंग रहती है, जैसा कि इसके अंदर आप देख पा रहे हो ये जो है फैक्ट्री फिनिश रहती है। देखो मामूली सा अंतर तो रहेगा, एग्जैक्टली आप फैक्ट्री ऐसी फिनिशिंग तो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 90% तक आप क्लोज फिनिशिंग इस जरिए से अचीव कर पाओगे।
दोस्तों इसके अंदर जो यूज हुआ है प्रोडक्ट है यानी कि पॉलीफिक्स है और जो आपका ट्रिमर है इसको आप कहाँ से बाय कर सकते हो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शोर होंगे, वहाँ पे भी जाके आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो कि कहाँ से बाय करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। मेरे को उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इसी तरह से यूज़ करके अगर आप कम बजट में अपने किचन को अच्छा फिनिशिंग देना चाहते हो तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है, हमारा एक्सपेरिमेंटेड है। इसको यूज़ करके आप जो है अपने किचन को अच्छा और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।